उनको लगा कि ये मर चुके हैं, तो उनका एक जो पाकिस्तानी जो कमांडर था उसने अपने जवानों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो उनके पाकिस्तान के दो सैनिक आए आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। तो जो मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर चार चार पांच पांच जो राउंड के ब्रस्ट मारे, रेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में दो जगह पे मारा। उसको मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा और उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर बहुत गालियां दी, बूट की ठोकरें मारी। काफी देर के बाद में उनका जो कमांडर था उसने बोला कि इनके वेपन उठा लो और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर, दूसरे जो उनके साथी थे उनको सूचना दिया, उसके ऊपर कब्जा हमला कर दो। फिर ये आवाज भी सुनी तो मुझे लगा कि यार आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। दोबारा से उसके साथी आए, पाकिस्तान के सैनिक आए और हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। उन्होंने फिर उसी रोटेशन से गोली मारी, पर जब एक कदम आगे गया तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 से उठाया और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूं। तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसको ऊपर ऐसे फेंका तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो गिरा जी। उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़कर देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया, यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। जो पाकिस्तान के दूसरे सैनिक थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई। तो उनमें खलबली मची, मेरा पास वही